हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद फरहत। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ शाही गोभी आलू की रेसिपी। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और इसे आप किसी भी खास मौके पे घर में बना सकते हैं, अपने लिए, गेस्ट के लिए। और इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पैन में हम डालेंगे एक चम्मच बटर। तो जब भी आप बटर डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा ताकि बटर हमारा जले ना। और इसमें हम ऐड करेंगे एक तेज़पत्ता। यहाँ पे मैंने लिया है दो छोटी इलायची, एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा रफली चॉप किया हुआ, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ इस तरह से रफली चॉप की हुई, 3 हरी मिर्चें, 7 से 8 काजू। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़े देर के लिए सौते करेंगे। फ्लेम को हमें यहाँ मीडियम रखना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा प्याज रफली चॉप किया हुआ। प्याज को हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज यहाँ अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ का टमाटर, अच्छा पका हुआ टमाटर हमें यहाँ यूज़ करना है। इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे हम। फिर साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नमक ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इसमें अब हम ऐड कर देंगे 1/2 ग्लास पानी। अब हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढककर। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए हमारा टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। गैस को यहाँ हम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे हम डाल देते हैं एक मिक्सर जार में, ब्लेंड कर लेते हैं इसे हम। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। साइड में रख देते हैं हम इसे। यहाँ पैन में हम वापस से डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का गोभी और इसे मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो उसमें हम डाल देते हैं अपने गोभी के टुकड़ों को। ये हम फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। गोभी हमारा यहाँ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है तो बाहर निकाल लेते हैं इसे हम। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ का आलू, ये बॉइल्ड आलू है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनटों के लिए। आलू भी हमारा यहाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्राई करने के बाद हमारा इतना तेल बच गया तो इसी तेल में हम अब डाल देंगे यहाँ खड़ा जीरा 1/2 चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्योरे बना कर रखा था। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच ऐड करेंगे हल्दी। भून लेंगे इसे हम 2 से 3 मिनटों के लिए। अब हम ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून दही, दही को अच्छे से फेंट लिया था मैंने। इसे हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। चेक कर लेते हैं अपने मसाले को हम। ये देखिए बहुत ही अच्छे से भून गया मसाला हमारा, ऑयल भी सेपरेट हो गया मसालों से। अब फ्लेम को हम हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम पे हम वापस से इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाला हमारा यहाँ बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 ग्लास पानी, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नमक। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने गोभी और आलू जो हमने फ्राई करके रखा था। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच, इस तरह से हाथों से थोड़ा क्रश कर लेंगे हम। साथ ही में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को।
इसे अब हम कुक करेंगे लो फ्लेम पर ढककर 6 मिनटों के लिए, या जब तक कि हमारी गोभी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। 6 मिनट हो चुके हैं, अपनी सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी गोभी भी यहाँ बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह ताज़ी मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब वापस से इसे हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट हो चुका है, देख लेते हैं अपनी सब्जी को हम। तो हमारी सब्जी यहाँ बिल्कुल रेडी है, गैस को हम ऑफ कर लेंगे। गार्निश कर लेंगे हम इसे थोड़े धनिया के पत्तों से। सर्व कर लेते हैं अब हम। तो ये देखिए हमारी शाही गोभी आलू बिल्कुल तैयार है, और कितनी क्रीमी और कितनी टेस्टी है ये, आप बनाइएगा तभी आपको पता चलेगा। इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से फ्रेश क्रीम के साथ। इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है, और आप इसे ख़ास मौक़ों पर बना सकते हैं मेहमानों के लिए। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।